कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं टीवी एक्टर राजीव खंडेलवाल, जिनका छलका है दर्द, जिन्होंने खुद बताया कि कितनी बार उनके साथ भी ये सब हो चुका है। कास्टिंग काउच को लेकर अब सेलेब्स खुलकर बात कर रहे हैं, अब चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री। हाल ही में टीवी के फेमस एक्टर राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की। फेमस एक्टर और होस्ट राजीव खंडेलवाल ने बताया कि वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। राजीव खंडेलवाल का कहना है कि लोग सिर्फ वुमेन सेफ्टी पर बात करते हैं, लेकिन आदमियों के अपने चैलेंजेस होते हैं। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार और लेटेस्ट इंटरव्यू में राजीव खंडेलवाल ने कहा कि पुरुष उसे उतना रिपोर्ट नहीं करते, जबकि महिलाएं जब भी इसके बारे में बात करती हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है। अगर एक महिला कास्टिंग काउच से गुजरती है तो इसके बारे में बात करती है तो उस पर पुरुष की तुलना में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। मैंने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है, लेकिन कुछ अजीब कारणों से हमारे समाज को लगता है कि हाँ ठीक है, लड़का है, मैनेज कर लिया होगा इसने। लेकिन यही सब जब किसी औरत या एक्ट्रेस के साथ होता है, उन पर बात होती है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। हम आदमियों को लेकर कैसी इमोशंस फील नहीं करते, औरतों के लिए आखिर क्यों? इसकी वजह से पुरुष प्रधान समाज, जिन्होंने औरतों को एक निश्चित तरीके से रखा है, उन्हें लंबे समय तक उनका हक नहीं दिया गया, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। हम औरतों के लिए ज़्यादा महसूस करते हैं। आगे एक्टर राजीव खंडेलवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि आदमी इससे जल्दी बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है और ऐसा किया जाता है। अगर मैं कहूं कि कल को मैं कास्टिंग काउच से गुजरता हूं, तो मैंने ये पहले भी कहा है कि आप वापस आते हैं तो सोचते हैं ओ मैंने इससे डील कर लिया और मैं वापस आ गया हूँ। जबकि मैंने बहुत सी महिलाओं को सुना है कि वो अंदर से गंदा महसूस करती है, पर मुझे अंदर से गंदा महसूस नहीं हुआ। मैंने मन ही मन में उस व्यक्ति को गाली दी और कहा सॉरी बॉस, मैं इसके आगे झुकने वाला नहीं हूँ। पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से बने हुए होते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी बदल जाती है। नेक्स्ट लाइफ की रिपोर्ट।